रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलोनी में संचालित रायबरेली जिला ताइक्वांडो संघ की ब्रांच बी फाइंड एंड मार्शल आर्ट क्लब के खिलाड़ियों को ताइक्वांडो की कलर बेल्ट बांधकर तथा उन्हें प्रमाण पत्र देकर पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने सम्मानित किया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन भी किया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने सराहना की। पुलिस अधीक्षक ने कहा, खेल से जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह नन्हे खिलाड़ी हमारे देश का भविष्य है। यह एक दिन अपने जिले के साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेंगे। वहीं इस अवसर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा, महेंद्र अग्रवाल, संरक्षक सुमन सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अविचल खूबड़े, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बी फाइन क्लब के कोच ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, विवेक कुमार वर्मा, अखंड दीप सोनकर आदि लोग मौजूद रहे। रायबरेली से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसा ही एक दिन था, मेरे घर के भी सामने बिल्कुल ऐसा ही एक मैदान है और मैंने भी ताइक्वांडो सीखना शुरू किया था। येलो तक मैं भी गया था, उसके आगे फिर नहीं बढ़ पाया। जब मुझे आप लोगों ने आके निमंत्रित किया तो वही पल फिर से जीने में आपके बीच आ गया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चों के अंदर इतनी अच्छी प्रतिभा है और जो सेल्फ डिफेंस, जो मार्शल आर्ट्स हैं, ये आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको डेली लाइफ में आपके काम आता है। और मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हालांकि जब मैंने ताइक्वांडो सीखना शुरू किया था तो जैसा मैंने बताया येलो बेल्ट के आगे मैं नहीं गया था, कई कारण थे जिसके चलते मेरी ट्रेनिंग रह गई। बट फिर जब मैं एकेडमी गया, पुलिस की ट्रेनिंग जब शुरू हुई तो उस समय हम लोग को मार्शल आर्ट्स सिखाए गए और क्राव मागा और जूडो या फिर फ्री स्टाइल, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। तो आपके अंदर एक बहुत अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है और आपको लगता है कि कोई भी काम है वो मैं कर सकता हूँ। तो ये आपके पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग इसमें रुचि लेके इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये आपको एक ऐसा लाइफ स्किल प्रदान करेगा जो आपको ज़िंदगी भर काम आएगा और फ्यूचर में भी और इन जनरल बाकी फील्ड्स में भी। अभी मैं देख रहा था, देखिए सबसे अच्छी बात ये रहती है कि कोई भी फाइट जब शुरू होती है तो हम लोग झुक के एक दूसरे को